हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मूदास क्विजिन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके लिए जामुन मैंगो पॉप्सिकल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इस गर्मियों के मौसम में ये दोनों फ्रूट्स जामुन और मैंगो मार्केट में बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और मुझे पर्सनली ये दोनों फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा इन दोनों का ही कम्बो करके एक पॉप्सिकल बनाया जाए। तो इसमें स्वीट और सावरनेस का टैंगी कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब लग रहा था। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है, तो आप सब भी इस तपती गर्मी में इस मजेदार और रिफ्रेशिंग पॉप्सिकल को जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जामुन पॉप्सिकल बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट लेयर है। तो इसके लिए हमें जामुन को चॉप करके छोटा करना होगा। जामुन को हमने अभी चॉप कर लिया है। अभी हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें चॉप किए हुए जामुन को ट्रांसफर करेंगे और थोड़े से मिंट लीव्स। फिर हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट 1 टेबलस्पून और शुगर 2 टेबलस्पून, रोस्टेड क्यूमिन चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून एंड चाट मसाला 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन जूस, 1/4 कप वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इन सारी चीजों को ब्लेंड कर लेंगे। हमारा जामुन मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। हम एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम लेंगे हमारा पॉप्सिकल मोल्ड्स और उसमें जामुन मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेंगे। हमें इस मोल्ड में हाफ पोर्शन तक ही इसे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद हम एक एल्युमिनियम फॉइल में इसको कवर कर लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसे फ्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम मैंगो पॉप्सिकल बनाएंगे जो हमारा सेकंड पोर्शन में रहेगा, जिसके लिए हम एक मैंगो लेंगे और उसे हम चॉप कर लेंगे। इस चॉप किए हुए मैंगोस को हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर 2 टेबलस्पून, मिल्क 1/4 कप और थोड़ा सा सैफ्रन स्ट्रैंड्स। इन सारी चीजों को अब हम ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो मिक्सचर अब रेडी हो चुका है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। 4 घंटे के बाद मैंने पॉप्सिकल मोल्ड्स को फ्रीजर से निकाल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जामुन मिक्सचर अब अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अभी हम बाकी पोर्शन में मैंगो मिक्सचर को ऐड करेंगे। हमने अभी सेकंड पोर्शन को फिलअप कर लिया है, तो अभी लीड लगा के हम इसे 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पॉप्सिकल मोल्ड्स को बाहर निकाल लिया है, तो चलिए अभी हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा सा कलर उभर के आया है। हम इस पॉप्सिकल को सर्व करने से पहले आइस क्यूब के ऊपर रखेंगे ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। तो अभी हमारा जामुन मैंगो पॉप्सिकल बनके रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा। तो आप लोग किस बात का इंतजार करिए, जाइए आप लोग भी बनाइए और खा के मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर कीजिए और इस समर सीजन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।